सुंदरनगर के स्पाइस गार्डन में रोटरी क्लब की पत्रकार वार्ता हुई। रोटरी क्लब सुंदरनगर के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने बताया कि रोटरी इंटरनेशनल ने पूरे देश में 3 कैंप करवाने जा रही है, जिसमें सुंदरनगर, जम्मू और सेंटर जलंधर को चुना गया है। उन्होंने कहा कि ये कैंप मंडी के जोनल हॉस्पिटल में 25 मई से लेकर 30 मई तक चलेगा। इस कैंप के लिए पूरे प्रदेश में 137 मरीज पंजीकृत हुए हैं। उन्होंने कहा कि 25 मई को मंडी के जोनल हॉस्पिटल में फाइनल स्क्रीनिंग के बाद ये तय होगा कि किस किस के ऑपरेशन होंगे। उन्होंने कहा कि इस कैंप में देश के जाने माने प्लास्टिक सर्जन अपनी सेवाएं देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस कैंप के दौरान मरीजों और उनके परिवार वालों को कैंप में बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। बहुत बड़ा प्लास्टिक सर्जरी कैंप जो कि जोनल हॉस्पिटल मंडी में 26 मई से लेकर 30 मई के अंदर कर रहा है और उसमें 137 के करीब पेशेंट्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं। 25 तारीख को सवेरे 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक स्क्रीनिंग का जोनल हॉस्पिटल मंडी में रखा हुआ है। जिन भी पेशेंट्स का ऑपरेशन डॉक्टर बोलेंगे तो वो हम 26-28 को 3 दिन ऑपरेशन डे है और इसमें सारे हिमाचल से तकरीबन 137 के करीब पेशेंट्स हमारे पास आ चुके हैं और 5 रिनाउंड डॉक्टर जो कि बॉम्बे से, लखनऊ, अहमदाबाद, हैदराबाद और जलंधर से आ रहे हैं और काफ़ी मतलब कि क्लेफ्ट लिप्स जो कटे होंठ और जो अपने डिसऑर्डर्स हैं और किसी बॉडी में और या फिर जले हुए पेशेंट्स हैं उनका मतलब कि और ये जान के खुशी की बात है जो सुंदरगढ़ क्लब है सारे हिमाचल में इसको चुना गया और ये पहली बार प्लास्टिक सर्जरी का कैंप एक जो कि हम हिमाचल में लगाने जा रहे हैं। ये हमारा रेगुलर प्रोजेक्ट है जो आने वाले, हालांकि हमने पहले वहां का ही वेन्यू रखा था पर वो 2-3 महीने में अभी मतलब कि तैयार हो जाएंगे और उसमें जो फैसिलिटीज है सारी तैयार हो जाएंगी और आने वाले समय में जैसे पोस्ट सर्जरी भी जरूरत पड़ती है ICU वगैरह की भी, वो अभी तक वहां पे चालू नहीं है हॉस्पिटल, तो गवर्नमेंट से भी बोलेंगे भी जल्दी से जल्दी नेरचौक का हॉस्पिटल। इस बार हमारे पास तकरीबन 137 के। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। और हम रोटरी के काफी बड़े डॉक्टर्स जो कि 5 डॉक्टर्स बॉम्बे से, लखनऊ से, अहमदाबाद से और हैदराबाद से, जलंधर से आ रहे हैं